Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in MDCAT Biology preparation, in which we are trying to cover all topics of biology according to the syllabi of University of Health Sciences, that is UHS, National University of Medical Sciences, that is NUMS, Educational Testing and Evaluation Agency of KPK, that is ETA, as well as MDCAT of other provinces taken by various examining bodies. Today we are going to start lecture number 9, in which we will cover some remaining topics of the unit cell biology. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उन टॉपिक्स में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स की बात होगी. हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इंशाल्लाह आज जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं सेल ऑर्गेनल्स के हवाले से, उनको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो आज के लेक्चर में हमने जिन सेल ऑर्गेनल्स की बात करनी है, उनमें वैक्यूल्स को डिस्कस किया जाएगा, साइटोस्केलेटन की बात होगी, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. इसके अलावा सेंट्रियोल्स क्या होते हैं. तो आइए लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं. लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिए कि लेक्चर के इख्तिताम पर जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप लेक्चर के सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और अपनी बुक से भी इन टॉपिक्स को प्रॉपरली रीड कर चुके होंगे, तो आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक टेस्ट के लिंक को क्लिक करके इस लेक्चर से रिलेटेड MCQs पर मुश्तमिल एक असाइनमेंट हासिल कर सकते हैं. गूगल फॉर्म के थ्रू वो असाइनमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी और आप उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करने के बाद उसे आप सबमिट कीजिएगा. तो जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा. और अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगे, आपको समझ में ना आए, या आप उसमें कोई डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी. तो आइए लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर वैक्यूल्स. देखिए, वैक्यूल्स को आमतौर पर इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वैक्यूल्स आर वेजिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, और वेजिक्यूलर का मतलब है कि दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स. और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेजिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है, वो आमतौर पर इस तरह से आपको दिखाई देंगे, एक स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में. इसके अलावा भी आपने इस तरह के कुछ वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर्स में लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया, तो लाइसोसोम भी इसी तरह के वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स थे. और इसके अलावा जो हमने माइक्रोबॉडीज को डिस्कस किया, तो माइक्रोबॉडीज भी इसी तरह के वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स थे, जिनमें दो टाइप्स आती हैं, पेरोक्सीसोम एंड ग्लायोक्सीसोम. तो ये सभी वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वैक्यूल भी इनकी तरह वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं. लेकिन आपको याद है कि लाइसोसोम माइक्रोबॉडीज में, जैसे पेरोक्सीसोम और ग्लायोक्सीसोम, इन सब के अंदर लाजमी तौर पर एंजाइम्स पाए जाते हैं. लेकिन वैक्यूल ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें एंजाइम हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी एंजाइम की प्रेजेंस किसी वैक्यूल के लिए कंपल्सरी फीचर नहीं है. तो आपने ये याद रखना है कि आपसे अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स मस्ट नॉट कंटेन एंजाइम, तो उसमें आप देखिए कि लाइसोसोम या फिर पेरोक्सीसोम और ग्लायोक्सीसोम, दे मस्ट कंटेन एंजाइम. लेकिन वैक्यूल ऐसे वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके लिए जरूरी नहीं है कि उनमें एंजाइम जरूर मौजूद हो. हाँ, सम टाइम वैक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स हो भी सकते हैं. मैं अभी आपको उसका रेफरेंस दिखाता हूं कि किस तरह से वैक्यूल्स में एंजाइम हो सकते हैं. ठीक है, तो आमतौर पर आप ये बात याद रखिए कि वैक्यूल्स में हम एंजाइम को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं. लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वैक्यूल में बिल्कुल एंजाइम्स नहीं है. समटाइम वैक्यूल्स मे कंटेन एंजाइम, बट एंजाइम्स की प्रेजेंस वैक्यूल के लिए कोई कंपल्सरी फीचर कंसिडर नहीं की जाएगी. तो किसी MCQ में अगर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है. इसके साथ साथ वैक्यूल्स का जो मोड ऑफ ओरिजिन है, वो भी आपको लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम और ग्लायोक्सीसोम से डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि इन तीनों के बारे में तो आपको याद है कि ये तीनों एंजाइम्स कंटेन करते हैं, और इन तीनों के एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए इन एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट होगा
टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जरिए उन एंजाइम्स की मॉडिफिकेशन होगी, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मॉडिफाई होने के बाद जब ये एंजाइम्स किसी पैकेट में बंद होकर किसी वेसिकल में इंक्लोज होकर जब ये रिलीज होते हैं, तो वो वेसिकल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंजाइम, दैट वेसिकल इज नोन एज आइदर लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम या ग्लायोक्सिसोम। तो ये जितने भी अदर वेसिकल्स हैं अदर देन वैक्यूल, यानी लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लायोक्सिसोम, उनका मोड ऑफ ओरिजिन ये है। उन सब के एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए उनका ट्रांसपोर्ट होगा टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उन एंजाइम्स की मॉडिफिकेशन होगी, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन दोज एंजाइम्स विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और फिर हम उनको डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंजाइम उनको लाइसोसोम या पेरोक्सिसोम या ग्लायोक्सिसोम के तौर पर करेक्टराइज कर देते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि वैक्यूल्स का जो मोड ऑफ रीजन है वो एग्जैक्टली ये नहीं है। वैक्यूल्स का जो मोड ऑफ रीजन है वो काफी ज्यादा वेरिएबल है। वैक्यूल्स शो वेरिएबल मोड ऑफ रीजन, यानी वैक्यूल सेल के अंदर मुख्तलिफ जगहों से ओरिजिनेट होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अगर इसकी अक्रंस की बात की जाए तो आपने याद रखना है कि दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर करता है, और इसी की बेसिस के ऊपर हम प्लांट और एनिमल सेल को डिस्टिंग्विश भी करते होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आपको दो किस्म के वैक्यूल्स नजर आएंगे। उनमें से एक वैक्यूल को कहा जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल दरअसल ओरिजिनेट होता है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, जब सेल मेम्ब्रेन के जरिए कोई बाहर से फूड को अपटेक किया जाता है, फूड को एनगल्फ किया जाता है। दिस एनगल्फिंग प्रोसेस इज एंडोसाइटोसिस, और आप जानते हैं कि अगर ये एंडोसाइटोसिस किसी सॉलिड फूड का हो रहा है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाएगा, और अगर ये किसी लिक्विड फूड का हो तो उसे पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। बहरहाल इन दोनों प्रोसेसेस के जरिए, फैगोसाइटोसिस हो या पिनोसाइटोसिस हो, उसके जरिए सेल मेम्ब्रेन जब किसी चीज को एनगल्फ कर लेती है तो एनगल्फिंग के बाद एक वेसिकल ओरिजिनेट होगा, एंड दैट वेसिकल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल बिकॉज दैट वेसिकल कंटेन फूड मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से, फूड मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से, आप इस वेसिकल को फूड वैक्यूल का नाम देंगे। तो एनिमल सेल के अंदर इस तरह से एक फूड वैक्यूल होता है, बाद में फिर ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके एक सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है, उसके अंदर ये डाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड होता है, और आफ्टर डाइजेशन जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होंगी वो इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जब ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो अब इस वेसिकल के अंदर सिर्फ कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाएंगे। सच अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंटेनिंग बॉडी इज नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और फिर अल्टीमेटली ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज करेगा, और सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके ये अपने कंटेंट्स को बाहर लिब्रेट कर देगा, यानी एक्सोसाइटोसिस कर देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एनिमल सेल के अंदर ये दो तरह के वैक्यूल्स कंसिडर किए जा रहे हैं। उनमें से एक को कहा जाता है फूड वैक्यूल, दैट स्टोर द फूड एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, और दूसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दैट कंटेन अनडाइजेस्टेड वेस्ट, और फिर टाइम पड़ने पर यह कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपनी वेस्ट को बॉडी से बाहर, सेल से बाहर इलिमिनेट कर देगा। जैसे फूड वैक्यूल को आपने देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, और अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पूछा जाए कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो आप याद रखिए कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेकेंडरी लाइसोसोम। देखिए, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड अ सेकेंडरी लाइसोसोम। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, और अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम जब डाइजेशन कंप्लीट कर लेगा तो आफ्टर डाइजेशन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स विल बी एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंटेनिंग वेसिकल रह जाएगा उस वेसिकल को दरअसल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहा जाएगा, और फिर इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के जरिए जो इसकी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर एक्सोसाइटोस कर जाएगी। तो इस तरह एनिमल सेल में आपने ये दो तरह के वैक्यूल्स को कंसिडर करना है, और दोनों का मोड ऑफ ओरिजिन अलग अलग याद रखना है आपने। लेकिन इसके बरक्स अगर हम प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स की बात करें तो एक यंग प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे एक बिल्कुल जो यंग प्लांट सेल जो अभी सेल डिवीजन के बाद ओरिजिनेट हुआ होता है, तो इट कंटेन्स मैनी स्मॉल वैक्यूल, लेकिन ग्रेजुअली वो मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आपस में फ्यूज करते जाते हैं, आपस में कोलेसेंस करते जाते हैं,
तो इनकी आपस में फ्यूज करने से, आपस में कोलेसेंस करने से एक लार्ज साइज का सेंट्रल वैक्यूल ओरिजिनेट होता है। दिस लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। और इसी लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होंगे प्लांट सेल के, वो पेरिफेरी की जानिब धकेल दिए जाएंगे। और इस तरह से आप देखिए कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी आपको सेंटर में नजर नहीं आएगा। उसकी वजह भी यही है कि जो सेंट्रल पोर्शन है इस साइटोप्लाज्म का, वो दरअसल इस लार्ज साइज वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस लार्ज साइज वैक्यूल की वजह से बकाया ऑर्गेनल्स भी और साथ साथ ये न्यूक्लियस भी ये सेल की पेरिफेरी में यानी बाहर की जानिब ये मुंतकिल हो जाएगा, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के ये करीब बाकी ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे। एंड मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑक्यूपाइड बाय दिस वैक्यूल। तो इस तरह से एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के हवाले से जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने साइटोप्लाज्म का मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई करने वाला ऑर्गेनल याद रखना है वैक्यूल। और अगर ये एनिमल सेल के मुतालिक क्वेश्चन पूछा जाए तो एनिमल सेल में ऑब्वियसली न्यूक्लियस सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है जिसने साइटोप्लाज्म का मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। इसके अलावा प्लांट सेल के वैक्यूल की अकरेंस के हवाले से एक और बात याद रखनी है कि तमाम प्लांट सेल में इस तरह का लार्ज साइज का वैक्यूल नहीं होता। जो आपने तीन किस्म के प्लांट सेल्स पढ़े होंगे, पैरेन्काइमा जो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, ये दरअसल इन्हीं सेल्स के अंदर लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके बरक्स अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा में भी बहुत बड़े साइज का वैक्यूल नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो स्क्लेरेनकाइमा है वहां तो वैक्यूल होगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि स्क्लेरेनकाइमा आर डेड सेल्स और इस वजह से इनके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सारा डिसइंटीग्रेट चुके हो चुका होता है, तो वैक्यूल भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो वैक्यूल्स आपको पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा टाइप के सेल्स में मिलेंगे, लेकिन ये जो लार्ज साइज का एक सेंट्रल करेक्टरिस्टिक वैक्यूल है प्लांट सेल का, दिस इज मेनली फाउंड इन द पैरेन्काइमा टाइप ऑफ सेल। अच्छा, इस वैक्यूल की कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो खास करेक्टरिस्टिक्स इसकी एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन की वजह से हैं। इसकी जो स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन है वैक्यूल की मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट इज द वैक्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल वैक्यूल। ये एनिमल सेल वैक्यूल की मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज नहीं की जाती। टोनोप्लास्ट टर्म इज यूज फॉर द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल ओनली। ओके, तो एनिमल सेल के वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट नहीं कहा जाता, ये बात माइंड में रखिएगा। इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अच्छा, आप देखिए कि टोनोप्लास्ट की स्पेशलिटी क्या है, टोनोप्लास्ट में क्या खास बात है। दरअसल टोनोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैनल्स मौजूद हैं और इसके अलावा कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं विच आर इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कि हमने कहा था कि ये स्टोर हाउस का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीजें जिनको ज्यादा देर के लिए स्टोर करनी होती हैं, तो ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से उन चीजों को अपटेक कर लेती है और इस तरह से वो चीजें साइटोप्लाज्म से अपटेक होकर वो इस वैक्यूल के अंदर आ जाएंगी। जब इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सोल्यूट्स इस वैक्यूल के अंदर अक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे तो वैक्यूल में सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। और आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बात का जिक्र किया था कि जब भी सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो वाटर पोटेंशियल विल आल्सो बी डिक्रीज। इस तरह से जब वैक्यूलर सैप का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के अंदर चूंकि उस वक्त वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है तो वाटर will also be uptaken by the vacuole from surrounding cytoplasm। और जब surrounding cytoplasm के अंदर water की concentration कम होगी तो cytoplasm obviously ये water फिर बाहर से gain करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये water continuously uptake होकर vacuole के अंदर include होता चला जाता है और इस तरह से vacuole के अंदर एक sap form हो जाता है। This vacuolar sap is known as cell sap। इस vacuolar sap को दरअसल cell sap का नाम भी दिया जाता है। तो इस सेल सैप में मौजूद वाटर की वजह से जैसे जैसे इसके अंदर वाटर फिल होता जाएगा वैक्यूल का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो साइटोप्लाज्म भी पेरिफेरी की जानिब पुश होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये वैक्यूल का पुशिंग प्रेशर टू द साइटोप्लाज्म और इन रिजल्ट जो साइटोप्लाज्म का पुशिंग प्रेशर है टूवर्ड्स द सेल वॉल, इस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो यू प्लांट सेल वैक्यूल इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ टर्गर इन द प्लांट सेल।
और ये जो टर्गर वाला फिनोमेनॉन है ये मेनली एसोसिएटेड है विद द पैरेन्काइमा सेल। आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर टर्गर की वजह से सपोर्ट हासिल होती है और जितने भी यंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, स्पेशली उसके लीव्स, जैसे आप ग्रासेस के लीव्स देखिए तो वो बिल्कुल आपको इरेक्ट नजर आते हैं, उनके अंदर सपोर्ट नजर आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टर्गर, क्योंकि उसके अंदर उस वक्त पैरेन्काइमा टाइप के सेल्स होते हैं ज्यादातर, और उन पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर इसी तरह के एक लार्ज साइज वैक्यूल की वजह से टर्गर स्टैब्लिश हो जाता है और उन सेल्स को सपोर्ट हासिल हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है अपने इस टर्गर प्रेशर वाले फेनोमेनॉन की वजह से। हमने इससे पहले भी कुछ ऐसे पार्ट्स पढ़े प्लांट सेल के अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको याद होगा हमने इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी बात की थी, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस सिस्टम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है तो ये भी कुछ हद तक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा ये जो वैक्यूल है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सेल वॉल तो है ही मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, और इसके अलावा भी हम आगे भी कुछ ऐसे पार्ट्स पढ़ेंगे जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट के हवाले से भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो इस तरह से आपने ये जितने भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको याद रखना है, जिसमें सेल वॉल, इसके साथ साथ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी कुछ हद तक क्रेडिट देना है, और फिर ये वैक्यूल, वैक्यूल और सेल वॉल ये ज्यादा मेनली इन्वॉल्व होंगे सपोर्ट प्रोवाइड करने में एज कंपेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अलावा अभी हम आगे साइटोस्केलेटन के बारे में भी ऐसा ही रोल अभी पढ़ेंगे। बहरहाल इस प्लांट सेल वैक्यूल का एक और एडिशनल अगर हम रोल देखें तो प्लांट सेल वैक्यूल ये एक स्टोर हाउस का रोल भी परफॉर्म कर रहा है, कि जैसे साइटोप्लाज्म एक स्टोर हाउस है बिल्कुल इसी तरह से एक प्लांट सेल के अंदर उसका वैक्यूल भी एक स्टोर हाउस होता है, यानी अगर किसी चीज को लॉन्ग टर्म स्टोर करना हो तो वो चीजें वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दी जाती हैं, या फिर इसके अलावा आप देखिए कि प्लांट अपने जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी वैक्यूल के अंदर स्टोर करता चला जा रहा होता है। आपने जैसे एक्सक्रीशन वाले पार्ट के अंदर भी वैक्यूल का एक रोल पड़ा होगा कि कुछ प्लांट्स के लीव्स के सेल्स अपने वैक्यूल के अंदर वेस्ट को स्टोर करते जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो वेस्ट बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट कर जाते हैं वैक्यूल्स के अंदर तो क्लोरोफिल के कलर पर जो इन वेस्ट का कलर है वो डोमिनेट कर जाता है, और इस तरह से वो लीव्स येलो कलर के नजर आना शुरू हो जाते हैं, और बाद में फिर प्लांट अपने उन लीव्स को रिमूव करके अपने वेस्ट से छुटकारा हासिल कर लेता है, और इसी वजह से प्लांट के उन लीव्स को एक्सक्रीटो फोर्स कहा जाता है। तो ये एक्सक्रीटो फोर्स की टर्म आपने पढ़ी होगी, कुछ प्लांट्स की लीव्स के लिए ये टर्म यूज की जाती है, और उन लीव्स के अंदर भी दरअसल उनका जो वैक्यूल है उनके सेल्स का वैक्यूल वही दरअसल उन वेस्ट को स्टोर करने में इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो इस तरह से ये वैक्यूल स्टोर हाउस का रोल भी प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्लांट सेल वैक्यूल में ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये वैक्यूल इस वजह से एक लाइसोसोम का रोल भी प्ले कर रहा होता है। जैसे आपने एनिमल सेल के अंदर जो टिपिकल लाइसोसोम्स देखें तो प्लांट सेल के अंदर वो जो लाइसोसोमल रोल है वो दरअसल उसका वैक्यूल ही परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये रोल भी हम इस वैक्यूल के अकाउंट में इन केस ऑफ प्लांट सेल ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिफरेंट था। ये यंग प्लांट सेल के अंदर तो छोटे छोटे साइज के होंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फ्यूज करके एक बड़ा वैक्यूल बना लेंगे, और उस बड़े वैक्यूल में फिर बहुत सारी चीजें स्टोर होना शुरू हो जाएंगी, जिससे वो टर्गर डेवलप करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा स्टोर हाउस का रोल प्ले करेगा, और इसके अलावा वो कुछ हद तक इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है, कि लाइसोसोमल रोल भी वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल रोल्स आर परफॉर्म बाय वैक्यूल इन प्लांट सेल। बट ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल में आपको वैक्यूल को एज फूड वैक्यूल और एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल याद रखना है। अच्छा, यहां पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के हवाले से एक और बात आप नोट डाउन कर लें कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर ये ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का मतलब यह है कि ऐसे एनिमल सेल जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और वो बहुत ज्यादा वाटर गेन कर रहे होते हैं, उनके अंदर वाटर बाहर से बहुत ज्यादा अपटेक हो रहा होता है, तो वो जो उनका एक्स्ट्रा वाटर साइटोप्लाज्म में आता जाएगा दैट वाटर इज ऑल्सो अपटेकन बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाटर को अपटेक करने के बाद उस वाटर को सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर रिमूव कर देगा। इस तरह से ये जो एनिमल सेल है वो फ्रेश वाटर मीडियम के अंदर, एक हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर इजिली सर्वाइव कर सकता है।
जैसे आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अमीबा जो कि एक एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है, ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है और फ्रेश वाटर इसके लिए हाइपोटोनिक है, तो वहां पर अमीबा बस्ट क्यों नहीं करता, या पैरामीशियम वो बस्ट क्यों नहीं करता? तो वो पैरामीशियम या अमीबा बस्ट इस वजह से नहीं करते कि वो अपने हाइपोटोनिक मीडियम से वाटर को गेन तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साइटोप्लाज्म में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो उनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए दोबारा बाहर एलिमिनेट होता रहता है। इस तरह से उनका जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन रहता है और वो आसानी से सर्वाइव करते रहते हैं। तो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आल्सो पार्टिसिपेट इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, वैक्यूल्स के हवाले से समटाइम दो और टर्म्स भी यूज की जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल ये उस वक्त फॉर्म होता है जब कोई सेल मेम्ब्रेन इस तरह से फैगोसाइटोस करती है या पिनोसाइटोस करती है। तो इस तरह से ये जो इनकमिंग वेसिकल फॉर्म हुआ है इसको फूड वैक्यूल भी कहा जाता है, या इसके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, इसे एंडोसाइटिक वेसिकल भी कहा जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से जब कोई भी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, जैसे वो वेसिकल हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज करता है, या फिर वो हो सकता है कि कोई लाइसोसोम हो जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन किए हुए और वो अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है और उसके साथ जाकर फ्यूज करके अपने एंजाइम्स को बाहर लिबरेट कर देता है, या फिर जैसे आपको याद होगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी कुछ वेसिकल्स ओरिजिनेट होते रहते हैं जो सेल सिक्रीशंस को कंटेन करते हैं, और वो सेल सिक्रीशंस भी सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक्सोसाइटोस करती रहती हैं। तो इस तरह से जो भी वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज करेगा और बाहर निकल जाएगा तो उसको एक्सोसाइटिक वेसिकल भी कहा जाएगा। तो ये एक्सोसाइटिक वेसिकल या एंडोसाइटिक वेसिकल, ये भी दरअसल वैक्यूल्स ही की अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, इनको भी आपने माइंड में रखना है जी। उसके बाद बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। टर्म साइटोस्केलेटन यूजुअली रेफर्स टू थ्री टाइप्स ऑफ फिब्रस स्ट्रक्चर्स दैट इन जनरल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, तीन किस्म के ये फिब्रस स्ट्रक्चर्स हैं जो इन जनरल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से इनका नाम साइटोस्केलेटन है, क्योंकि साइटोस्केलेटन का लिटरल मीनिंग क्या है, स्केलेटन ऑफ द सेल। और आपको मालूम है कि स्केलेटन किसी ऐसी चीज को कहा जाता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हो, तो साइटोस्केलेटन यानी स्केलेटन ऑफ द सेल, ये दरअसल हम उन फिब्रस स्ट्रक्चर्स को कह रहे हैं, ये थ्री टाइप्स के ये फिब्रस स्ट्रक्चर्स हैं जो इन जनरल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके और भी बहुत सारे रोल्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। लेकिन इन जनरल आप याद रखिए कि ये सभी चूंकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ कंसर्न है, इस वजह से इनको कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहा गया है। तो यूं आपने देखा कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले कितने सारे सेल स्ट्रक्चर्स आपके सामने आ चुके हैं जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, उन सबको आपने याद रखना है। खासतौर पर साइटोस्केलेटन में ये जो तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से एक को कहा जाएगा माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरे को कहा जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, और तीसरे को कहा जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। असल में ये जो टर्म्स हैं माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये दरअसल इनके स्ट्रक्चर और डायमीटर के ऊपर ये टर्म्स बेस करती हैं। इनका स्ट्रक्चर अभी आप देखिएगा कि कुछ ट्यूबुलर होंगे, हॉलो होंगे और कुछ सॉलिड फाइबर्स होंगे, और साथ साथ इनका जो डायमीटर है वो भी मेनली डिफर करता है। तो इस बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर ये टर्म्स अप्लाई की गई हैं, इनमें से किसी को माइक्रोफिलामेंट कहा जाएगा, किसी को माइक्रोट्यूब्यूल्स और किसी को इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये तीन किस्म के जो फिब्रस स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट जिनको आमतौर पर एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। इनका डायमीटर सबसे कम है एंड दे हैव जस्ट 7 नैनोमीटर डायमीटर, और इसके मुकाबले में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर सबसे ज्यादा होगा, 25 नैनोमीटर का डायमीटर है, और आप देख रहे हैं कि ये अंदर से हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसके मुकाबले में जो माइक्रोफिलामेंट था वो एक सॉलिड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और जबकि तीसरे इनमें इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो दरअसल इनका जो डायमीटर है वो इन बिटवीन होता है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी ये 10 नैनोमीटर डायमीटर रखने वाले फाइबर स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये ऑलमोस्ट सॉलिड फाइबर होते हैं। दे हैव वेरी नैरो ल्यूमेन, जो कि ना होने के बराबर ल्यूमेन होगी, वो इस तरह से ये सॉलिड फाइबर्स के तौर पर ही कंसिडर किए जा रहे हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज फिलामेंट। लेकिन इन तीनों में से जो प्रॉपर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं।
आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर इन तीनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से यहां पे दिखाई हुई है कि माइक्रोफिलामेंट्स यूजुअली सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ मौजूद होते हैं। देखिए माइक्रोफिलामेंट्स आपको ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई है और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल एडजेसेंट आपको ये माइक्रोफिलामेंट मिलेंगे। आपको सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी जो उसकी इनर सरफेस थी उसको माइक्रोफिलामेंट के साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाया गया था, तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए। उसके मुकाबले में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन कुछ एनिमल सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एग्रीगेट करके कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स को भी फॉर्म करते हैं। जैसे एनिमल सेल के अंदर आपने सीलिया और फ्लेजेला ऑब्जर्व किए होंगे, तो ये सीलिया और फ्लेजेला दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबलीज हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की कलेक्शंस हैं। और इसी तरह से आपने बेसल बॉडी जिससे ये सीलिया और फ्लेजेला ओरिजिनेट होते हैं, तो वो बेसल बॉडी आपने देखी होगी वो भी दरअसल इसी माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से एनिमल सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक और एग्रीगेशन आपको सेंट्रियोल्स की फॉर्म में मिलेगी, सेंट्रियोल्स की फॉर्म में। तो ये डिफरेंट एग्रीगेशंस आपको एनिमल सेल के अंदर मिलती हैं विच आर ऑल कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, लेकिन प्लांट सेल के अंदर आपको अगर चाहिए ये स्ट्रक्चर्स तो नहीं मिलते सिवाय चंद एक प्लांट सेल में, जैसे कि जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइट्स उनके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, या फिर जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं एलजी वो तो वैसे ही किंगडम प्लांटी के मेंबर्स नहीं है, तो उनके अंदर भी फ्लैजिलेटेड आपको सेल्स मिलेंगे। तो अदरवाइज जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर आपको फ्लैजेला नहीं मिलते, ठीक है। तो ये जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स देखे ये सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए होते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर अगर ये स्ट्रक्चर्स तो मौजूद नहीं है लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल जरूर मौजूद हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर इसी तरह फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं। और यही जो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं, ये प्लांट सेल की सेल डिवीजन के दौरान ऑर्गेनाइज होकर एक स्पिंडल शेप अटेन कर लेंगे और सेल डिवीजन को फैसिलिटेट करेंगे। ये बात अभी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। और दूसरी तरफ आप इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने एक किस्म का एक नेटवर्क फॉर्म किया हुआ है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस नेटवर्क की वजह से ही दरअसल एक खास किस्म की शक्ल किसी सेल को हासिल हो रही होती है, यानी उसको एक किस्म की मैकेनिकल सपोर्ट इनकी प्रेजेंस की वजह से मिल रही होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैकेनिकल सपोर्ट तो इन जनरल ये सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं दे आर मेनली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। इन तीनों साइटोस्केलेटल फाइबर्स के अगर हम मजीद फीचर्स को कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो कंपोजिशन है वो एक दूसरे से डिफर करती है। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, लेकिन सम टाइम कुछ सेल्स के अंदर ये माइक्रोफिलामेंट जहां बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं वहां पर इनकी वैरायटी पाई जाती है और वहां पर कुछ और प्रोटीन्स भी इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। जैसे आपको याद होगा मसल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा मसल सेल्स के अंदर मायोफिलामेंट आपने एक चीज पढ़ी है, तो ये मायोफिलामेंट जो कि दो किस्म के होते हैं उनमें से एक को कहते हैं थिन फिलामेंट और दूसरे को कहते हैं थिक फिलामेंट्स। तो असल में ये थिन और थिक फिलामेंट्स ये मायोफिलामेंट्स दरअसल माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और ये माइक्रोफिलामेंट मसल सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट हैं। वहां पर इनकी ये जो दो टाइप्स आपने देखी है थिन और थिक मायोफिलामेंट, इनकी कंपोजिशन कुछ वेरी करती है। इसमें एक्टिन के साथ साथ इसका जो थिन फिलामेंट है वहां पर एक्टिन के साथ साथ आपको ट्रोपोमायोसिन भी मिलेगा और ट्रोपोनिन प्रोटीन भी इसमें पाई जाती है, जबकि थिक मायोफिलामेंट ये भी दरअसल माइक्रोफिलामेंट की ही एक टाइप है, ये भी मसल सेल्स के अंदर बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स थे मसल सेल्स के अंदर इनको एक स्पेशल नेम से पुकारा जाता है, इनको मायोफिलामेंट्स कहा जाता है जिनकी दो टाइप्स हैं और इनकी कंपोजिशन इस तरह से काफी डाइवर्स हो जाती है वहां पर। बट इन जनरल बाकी जो सेल्स हैं बॉडी के उनके अंदर ये माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के बने हुए फिलामेंट्स होंगे। ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन नोन एज विमेंटिन, लेकिन इन एडिशन टू विमेंटिन सम टाइम दीज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ केराटिन और सम टाइम लैमिन से ये बने हुए होते हैं या कोई और प्रोटीन भी इनमें मौजूद हो सकती है। तो इनकी भी आपको कंपोजिशन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर वेरी करती हुई दिखाई देगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव विमेंटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स ये दरअसल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ट्यूबुलिन के दो
सब यूनिट्स जिनको अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन कहा जाता है, तो ये दोनों ट्यूबुलिन मिलकर इस तरह से एक पेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको ट्यूबुलिन डायमर कहा जाता है। तो ये ट्यूबुलिन डायमर अरेंज होकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसे माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाएगा। तो इस तरह से कंपोजिशन वाइज ये तीनों डिफर कर रहे हैं। ये देखिए आपको यहां पर इनका स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स जो मोस्टली एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसमें ये दो किस्म की एक्टिन्स मौजूद होंगी। तो ये जो आपको स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, यूनिट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लोब्यूलर एक्टिन, ये जी एक्टिन कहलाती है। और बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर एक चेन बना रहे हैं जिसको एफ एक्टिन कहा जाएगा। जी एक्टिन कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म एफ एक्टिन। और अब ये जो इस तरह से एफ एक्टिन है, इसकी दो चेन्स आप देख रहे हैं वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर रही हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द माइक्रोफिलामेंट इसी तरह की कंपोजिशन शो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे अभी आपको बताया था कि मसल सेल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट की एक टाइप मायोफिलामेंट, जिनमें से थिन मायोफिलामेंट, उसमें एक्टिन के साथ साथ ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी मौजूद होगी, तो वहां पर आपको ये एडिशनल प्रोटीन भी इसके साथ नजर आएंगी। और जो थिक मायोफिलामेंट होता है, थिक मायोफिलामेंट, वो इसके मुकाबले में मायोसिन का बना हुआ है, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे अभी बताया था कि ये विमेंटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, या फिर ये कैरेटिन का भी हो सकता है। तो इसमें ये जो कैरेटिन या विमेंटिन है, वो एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होकर इस तरह से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यानी इसमें जो भी कंपोजिशन हो, चाहे विमेंटिन हो, कैरेटिन हो, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरह से करके एक दूसरे के साथ लिपट कर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दो स्ट्रिंग्स आपको एक दूसरे के साथ लिपटे हुए नजर आए, और उसके साथ फिर ये तीसरा स्ट्रिंग इसके साथ लिपटा हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये भी ऑलमोस्ट सॉलिड स्ट्रक्चर होगा इनका। और माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, ये दोनों मिलकर एक डायमर बनाते हैं जिसको ट्यूबुलिन डायमर कहा जाता है। तो ये ट्यूबुलिन डायमर ये एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द इस तरह से रैप होते चले जाते हैं, और इनकी रैपिंग से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से वेरी कर रहा है। एज फार एज फंक्शन ऑफ दीज स्केलेटल फाइबर इज कंसर्न, आप देखिए फंक्शंस में माइक्रोफिलामेंट्स मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टिंग टेंशन, यानी जो पुल है, पुल उसको ये रिड्यूस करके, रेजिस्टिंग टेंशन से यहां पर मतलब है कि जो पुल है उसको ये रिड्यूस करते हैं। यानी बाहर की तरफ से कोई सेल के अंदर अगर कोई पुल क्रिएट हो रहा है, तो ये उस पुल को रिड्यूस कर देंगे और इस तरह से सेल शेप को ये मेंटेन करेंगे। इसके अलावा मजीद इसके फीचर्स आप देखिए कि मोटिलिटी वाया सीडोपोडिया, तो जैसे ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट लाइक अमीबा, उसके अंदर जो सीडोपोडिया ओरिजिनेट होते हैं, तो सीडोपोडिया का जो डेवलपमेंट है, सीडोपोडिया की जो ओरिजिन है, वो भी इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। तो मोटिलिटी वाया सीडोपोडिया, ये भी माइक्रोफिलामेंट के अकाउंट में इस फंक्शन को इंक्लूड किया जा सकता है। और फिर देखिए मसल कॉन्ट्रेक्शन, अभी मैंने आपको बताया था कि मसल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट को खास तौर पर मायोफिलामेंट कहा जाता है, और वहां पर ये बहुत ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर इनकी दो टाइप्स हैं, थिक और थिन, और इनकी वजह से मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म हो रही है। इसके अलावा आपने एनिमल सेल की डिवीजन के दौरान जो साइटोकाइनेसिस का अमल होता है, उसके अंदर भी माइक्रोफिलामेंट का रोल पड़ा होगा। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल, इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच हो जाती है, और इस तरह से एक एनिमल सेल आपको दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। तो ये किसी एनिमल सेल के अंदर इस तरह से ये जो क्लीवेज डिवेलप हो रही है, दिस क्लीवेज इज बिकॉज ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स। सो इस तरह से ये साइटोकाइनेसिस में भी माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प कर रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। तो ये सारे फंक्शंस हम माइक्रोफिलामेंट के अकाउंट में बता सकते हैं। अच्छा, इसके बरक्स आप देखिए कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, उनमें एक फंक्शन तो वो माइक्रोफिलामेंट्स की तरह है कि दे ऑल्सो मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टिंग टेंशन, यानी ये भी बाहर की तरफ से अगर कोई पुलिंग फोर्स सेल के ऊपर एग्जर्ट हो रही है, तो उस पुलिंग फोर्स को ये रेजिस्ट करेंगे, ये टेंशन को रिड्यूस करेंगे, पुल को रिड्यूस करेंगे, और इस तरह सेल शेप को मेंटेन करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किस्म की। और इसके साथ साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑल्सो एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनल। अभी आपने जो पिछली डायग्राम में देखा था कि इनका एक नेटवर्क मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में, और उसी नेटवर्क की वजह से जो मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपनी पोजिशंस में मेंटेन्ड होते हैं। यानी न्यूक्लियस एक खास जगह पर मौजूद होता है, और बाकी कुछ ऑर्गेनल्स भी खास जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। अगरचे कुछ ऑर्गेनल्स जो है ना, वो मुसलसल साइटोप्लाज्म के अंदर मूव भी कर रहे होते हैं, और उनकी उस मूवमेंट को साइक्लोसिस भी कहा जाता है, लेकिन
इसके अलावा कुछ ऑर्गेनल्स वो साइटोप्लाज्म के अंदर फिक्स पोजीशन में होंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स में आप देखिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑल्सो मेंटेन सेल शेप बाय रेजिस्टिंग कंप्रेशन। तो देखिए बाहर की तरफ से अगर कोई पुश किया जाता है सेल को, अब ये पुल नहीं है बल्कि पुश, बाहर की तरफ से अगर कोई पुश किया जाता है और सेल उस पुशिंग को अगर रेजिस्ट करता है, अपनी शेप को मेंटेन रखता है, तो इस तरह से बाय रेजिस्टिंग कंप्रेशन दे मेंटेन द सेल शेप। तो इस तरह से ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी वजह से इन सब को साइटोस्केलेटन का नाम दिया गया था। इसके अलावा देखिए माइक्रोट्यूब्यूल मोटिलिटी वाया फ्लैजेला एंड सीलिया, क्योंकि ये जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला और सीलिया ये बने ही माइक्रोट्यूब्यूल के होते हैं, तो इस तरह से फ्लैजेला और सीलिया की जो मदद से मोटिलिटी है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से है। दरअसल मूव क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि आपको याद है कि सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और ये जो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर सेल के अंदर फॉर्म होगा, एनिमल सेल में भी ये फॉर्म होता है और प्लांट सेल में भी ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो इस स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर में दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमोसोम्स को मूव करवाते हैं, और क्रोमोसोम्स इस तरह से डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये अलग बात है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंट प्लेसेस से ओरिजिनेट होंगे, लेकिन बहरहाल जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है बिटवीन द डॉटर सेल, वो दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही फीचर है इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। और इसके अलावा ये ऑर्गेनल्स की मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं, ऑर्गेनल्स भी विद इन साइटोप्लाज्म जो मूव कर रहे हैं उनकी मूवमेंट में भी इनका रोल है। तो ये सारा डिस्कशन आपने साइटोस्केलेटल फाइबर्स के हवाले से याद रखना है। और एमसीक्यूज बनाने के लिए ये बड़ा हॉट टॉपिक होता है, क्योंकि यहां पर काफी सारी इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से यहां से सेवरल एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। अब आप देखिए कि सेंट्रोसोम, या जिसे हम पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कहते हैं, ये क्या चीज है। टर्म सेंट्रोसोम इज यूज फॉर अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, और ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए होते हैं, और सिर्फ एनिमल सेल में ये आपको मिलेंगे नियर द न्यूक्लियस। एनिमल सेल के अलावा आपको ये कुछ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी मिलेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर जो स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स आपने फंजाई लाइक प्रोटिस्ट पढ़े होंगे, तो उनके सेल्स के अंदर भी आपको ये मिलते हैं। बाज़ुकत बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल एंड इन द सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स, तो वो लोअर प्लांट की टर्म हम ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक यूज करते हैं, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की उसके मुताबिक वो लोअर प्लांट्स एक्चुअली अब वो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं, और वो कौन से हैं, वो स्लाइम मोल्ड्स हैं और इसके अलावा वाटर मोल्ड्स हैं। तो इनको पहले लोअर प्लांट्स कहा जाता था, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स दरअसल फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, और इनको एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोटिस्ट के अंदर आपको सेंट्रियोल्स मिलेंगे, और इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे, लेकिन जो ट्रू फंजाई हैं उनके पास भी सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, और प्लांट सेल के पास भी सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है सेंट्रियोल्स की अक्रेंस के हवाले से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कंटेन सेंट्रियोल्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल। आपने गौर कर लेना है कि वो सेल्स प्लांट के हैं, फंजाई के हैं, एनिमल्स के हैं, या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के हैं, या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के हैं, तो उसके मुताबिक आपने उसको एनालाइज करना है। अच्छा, आप देखिए सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है, कि जैसे भी आपको बताया कि सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, एंड दीज टू रॉड्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये बिल्कुल एक दूसरे के राइट एंगल पर ये दोनों रॉड्स प्रेजेंट होती हैं। आपको ये एक रॉड की और ये दूसरी रॉड की पोजीशन नजर आ रही है, और इन दोनों रॉड्स को कलेक्टिवली कहा जाता है सेंट्रोसोम। जबकि न्यूक्लियस के करीब जहां पर ये सेंट्रोसोम वाक्य है, जहां पर ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल मौजूद है, उस रीजन को दरअसल सेंट्रोस्फियर कहा जाता है। दैट रीजन इज नोन एज सेंट्रोस्फियर। तो ये तीनों मिलती जुलती टर्म्स हैं, आपने याद रखने। सेंट्रोस्फियर इज द रीजन वेयर सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, एंड दिस रीजन इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ये नियर द सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वेयर सेंट्रोस्फेयर इज प्रेजेंट, तो सेंट्रोस्फेयर इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ये नियर द मेम्ब्रेन नहीं है, या नियर द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या इस तरह किसी भी और ऑर्गेनल के साथ अगर इसका रेफरेंस दिया जाए तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, हमेशा इसको नियर द न्यूक्लियस ही आपने अज्यूम करना है। तो सेंट्रोस्फेयर इज द रीजन वेयर सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, सेंट्रोसोम
term is used for the pair of centriole, and centriole are actually the rod shaped structure, and both centrioles are present at right angle to each other. देखिए सेंट्रियोल की अगर हम फर्दर कंपोजिशन देखें, इसका फर्दर स्ट्रक्चर देखें, तो आपको नजर आ रहा है क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन सेंट्रियोल, ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है. तो आप देखिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पर किस तरह से मौजूद है. माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की फॉर्म में मौजूद है, जैसे ये एक ट्रिपलेट आपको नजर आ रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का. इसी तरह से आप देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये दूसरा ट्रिपलेट है, तीसरा ट्रिपलेट है. तो टोटल ये 9 ट्रिपलेट्स यहां पर मौजूद हैं. तो ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल ये रॉड है. और ये 9 ट्रिपलेट किस तरह से अरेंज हैं, क्या इनकी अरेंजमेंट क्रिस क्रॉस है या सर्कुलर है या लॉन्गिट्यूडनल है या शीट लाइक, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो आपने याद रखना है कि दीज ट्रिपलेट्स आर एक्चुअली अरेंज इन सर्कुलर पैटर्न, और सर्कुलरली ये अरेंज होकर इस तरह से एक हॉलो रॉड फॉर्म करते हैं. दिस हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रियोल. तो हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन सेंट्रियोल, तो आप देखिए अगर 9 ट्रिपलेट्स हैं तो 9 × 3 = 27. तो इस तरह से 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन सेंट्रियोल. और इस तरह से अगर सेंट्रोसोम के अंदर पूछा जाए हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ बोथ सेंट्रियोल, इसका मतलब है कि इसको आप डबल कर दें तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा 54. लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो सेंट्रियोल का आपको एक पेयर दिखाया गया है, ये आपको एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर नजर आ रहा है. लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करने लगता है तो उस वक्त ये जो सिंगल पेयर ऑफ सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट कर जाता है. जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन दिस सिंगल पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट इटसेल्फ एंड बिकम टू पेयर्स. इस तरह से ये टू पेयर्स में तब्दील हो जाएगा जैसे ही सेल डिवीजन का आगाज होने लगेगा. और अब ये जो दोनों पेयर्स हैं सेंट्रियोल्स के, ये अपोजिट साइड पर माइग्रेट कर जाएंगे, और माइग्रेट करने के बाद ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे. तो वो फंक्शन क्या है, वो रोल क्या है इनका सेंट्रियोल्स का, दरअसल वो रोल है टू फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस. देखो माइटोटिक एपरेटस किस चीज को कहते हैं, माइटोटिक एपरेटस इस तरह से एक स्पिंडल शेप फिब्रस स्ट्रक्चर सेल साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर्म होता है. ये स्पिंडल शेप फिब्रस स्ट्रक्चर है, समटाइम इसको माइटोटिक स्पिंडल भी कह दिया जाता है. लेकिन आप याद रखिए कि ये जो टर्म स्पिंडल हम यूज करते हैं, तो स्पिंडल दरअसल ये धागे के गुच्छे को कहा जाता है. यानी अगर हम किसी रॉड के ऊपर कोई धागा लेकर, बहुत सारा धागा लेकर उस रॉड के ऊपर अगर हम उसको रैप करना शुरू करें, सपोज करें ये सेंट्रल रॉड है और इसके ऊपर हम इस धागे को इस तरह से यूं रैप करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर रैप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेंटर से ये थोड़ा सा थिक होता जाएगा और इसकी जो साइडें हैं वो यूं थिन होती जाएंगी. तो ये जो धागे का एक गुच्छा आपने बनाया है इसे दरअसल स्पिंडल कहा जाता है. और जिस चीज की भी शक्ल इसके साथ मैच करती होगी, देखिए ये करेक्टरिस्टिक शेप है कि सेंटर से ये आपको थिक नजर आ रहा है और इसके एंड आपको थोड़े से टेपर्ड नजर आ रहे हैं, थिन नजर आ रहे हैं, तो जिस चीज की शक्ल आपको इसके साथ मैच करती हुई नजर आएगी उसको आप स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर कहेंगे. तो माइटोटिक एपरेटस भी एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, या इसको समटाइम हम माइटोटिक स्पिंडल भी कह देते हैं. और ये माइटोटिक स्पिंडल दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्रॉम द टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल. तो ये टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करेंगे और इस तरह से ये फिब्रस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. तो इस माइटोटिक एपरेटस का पर्पस क्या होता है, क्यों ये बनता है, ये माइटोटिक एपरेटस दरअसल जो क्रोमोसोम्स यहां पर अलाइन होंगे इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, उन क्रोमोसोम्स के दरमियान सेपरेशन होगी, उनके क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और वो फिर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे उनको डॉटर सेल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना दरअसल इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है. तो इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो आपने देखा कि जब ये इस तरह से माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म हो जाता है तो उस वक्त आपको ये सेंट्रियोल्स के दो पेयर सेल के अंदर नजर आ रहे होंगे. लिहाजा अभी मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल, तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल. तो जब भी आपसे जनरल बात पूछी जाए तो आपने टू आंसर करना है, यानी एक सेल में आमतौर पर कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, टू. लेकिन अगर आप ये इस तरह से कंसिडर करें क्वेश्चन को कि हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, तो तब भी आंसर टू ही होगा. लेकिन हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन अ डिवाइडिंग सेल, तो फिर आंसर फोर हो जाएगा. लेकिन इन टर्म्स के साथ भी आप याद रखिए कि अगर यहां पर पेयर वर्ड यूज किया हुआ है तो फिर ये टू मींस वन पेयर, ठीक है, टू का मतलब हो जाएगा वन पेयर और फोर का मतलब हो जाएगा टू पेयर्स.
तो आपने ये देख लेना ऑप्शन के अंदर कि वहां पर पेयर की फॉर्म में नंबर दिया हुआ है या वैसे इंडिविजुअल नंबर दिया हुआ है, तो इस तरह से मिस्टेक अक्सर यहां पे हो जाती है। तो आपने ये सिचुएशन के मुताबिक नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स का काउंट भी देखना है और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद थी उनको भी कंसिडर करना है। अच्छा, अभी हमने बात की कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये प्लांट सेल के अंदर और फंजाई के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, तो फंजाई में और प्लांट सेल के अंदर अगर ये सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं तो क्या ये माइटोटिक एपरेटस वहां पे फॉर्म नहीं होता? बिल्कुल, ये माइटोटिक एपरेटस प्लांट सेल में और फंजाई सेल में फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन सेंट्रियोल से ये माइटोटिक एपरेटस ओरिजिनेट नहीं होगा प्लांट सेल के अंदर, बल्कि क्या होगा कि प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे एक्चुअली ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिविजन, ठीक है। इन सेल्स के अंदर ये जो फ्रीली डिस्पर्स या स्कैटर माइक्रोट्यूब्यूल है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये एक्चुअली यहां पर अरेंज हो जाएंगे, इस तरह की स्पिंडल शेप गेन कर लेंगे और एक माइटोटिक एपरेटस बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल के अंदर या फंजाई के अंदर माइटोटिक एपरेटस की फॉर्मेशन सेंट्रियोल से हरगिज नहीं हो रही है। एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल से फॉर्म होता है, प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल के बजाय साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल से इनका ओरिजिन हो रहा है। तो ये जो फ्रीली डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम एनालोगस रीजन टू द सेंट्रियोल कह सकते हैं। दीज आर कंसिडर्ड एज एनालोगस रीजन टू द सेंट्रियोल। एनालोगस रीजन क्यों कहा जाता है? एनालोगस का मतलब ये होता है कि कोई दो चीजें जो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से मुख्तलिफ हों लेकिन फंक्शनली अलाइक हों, यानी स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली अलाइक, तो वो एक दूसरे के साथ एनालोगस रिलेशन शो करती हैं, उनको एक दूसरे का एनालोगस कहा जाएगा। आप देखिए सेंट्रियोल, अभी हमने पढ़ा सेंट्रियोल बेसिकली वो इस तरह से कॉम्पैक्ट रॉड थी जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के यूं ट्रिपलेट्स सर्कुलरली अरेंज होकर तो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि ये जो मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स बताए साइटोप्लाज्म के अंदर विच आर फ्रीली डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो ये बिल्कुल एक लूज कलेक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का एज कंपेयर टू अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रियोल। तो दोनों स्ट्रक्चरली एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और इन फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों का पर्पज एक ही है। पर्पज क्या है कि ये जो सेंट्रियोल अभी आपको बताया था इससे भी माइटोटिक एपरेटस फॉर्म हो रहे हैं, और जबकि इसके मुकाबले में जो फ्रीली डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल के अंदर, ये भी दरअसल माइटोटिक एपरेटस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली अलाइक हैं, तो आप इसको फ्रीली डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं इसको आप एनालोगस रीजन टू द सेंट्रियोल कह सकते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें अगर ये वर्डिंग यूज हुई है कि इन प्लांट सेल माइटोटिक एपरेटस ओरिजिनेट फ्रॉम एन एनालोगस रीजन टू द सेंट्रियोल, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने कंसिडर करनी है, क्योंकि ये जो फ्रीली डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रियोल के साथ एनालोगस हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के माइटोटिक एपरेटस के स्ट्रक्चर में भी आपको फर्क नजर आएगा। देखो एनिमल सेल के माइटोटिक एपरेटस में तीन किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनमें से ये जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि इनमें से एक को कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसी तरह से आप देखिए दूसरे कहलाते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और तीसरे कहलाते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स सिर्फ ये पोल्स के ऊपर होंगे और इनके जरिए एस्टर फॉर्म हो रहा है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जबकि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोल टू अनदर, ये एक पोल से दूसरे पोल तक यूं कंटिन्यूस होते हैं, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द क्रोमोसोम। लेकिन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर दोस दैट आर एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोल टू द मिड ऑफ द सेल, और इनका असल में क्रोमोसोम्स के साथ कॉन्टेक्ट होता है, क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेर के अंदर काइनेटोकोर पोर्शन है उसके साथ ये अटैच करते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है। एनिमल सेल का जो माइटोटिक एपरेटस है वो तीन किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए करेक्टराइज किया जाता है, बट एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल के माइटोटिक एपरेटस में यहां पर ये स्टार शेप स्ट्रक्चर पोल्स के ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको एनिमल सेल के अंदर ये स्टार शेप स्ट्रक्चर पोल्स के ऊपर स्टैब्लिश नजर आ रहे हैं। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बिलो
so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.